इसराइल और हमास के बीच जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक नई जंग कभी भी शुरू हो सकती है जो कि वर्ल्ड वॉर जितनी भयानक हो सकती है। 9 महीने से जारी इस युद्ध में हर दिन कुछ नया और भयानक देखने को मिलता है। इजरायली सेना की भीषण कार्रवाई ने हमास को दहला कर रख दिया है, लेकिन अब इसराइल को जवाब देने के लिए तुर्की ने तैयारी कर ली है। इसराइल के आयरन डोम का जवाब देने के लिए तुर्की नया हथियार तैयार कर रहा है। दरअसल तुर्की ने इसराइल के आयरन डोम के जवाब में स्टील डोम से देने वाला है। तुर्की ने घरेलू रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली की योजना की घोषणा की है। तुर्की ने अपने इस नए हथियार को स्टील डोम का नाम दिया है। इस्तांबुल स्थित समाचार पत्र डेली सबा ने इस बात का खुलासा किया है। तुर्की ने महत्वाकांक्षी स्टील डोम परियोजना को हरी झंडी दे दी है। स्टील डोम सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम की एक प्रणाली है। ये सेंसर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कमांड और कंट्रोल स्टेशन, एआई संचालित उपकरणों को मिलाकर हवाई खतरों के लिए एक ढाल बनाता है। ईरान ने पुतिन को भी टेंशन दे दी है। दोनों देशों के बीच S-400 मिसाइल डील खत्म हो गई है। 2.5 बिलियन डॉलर की रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण है। ये निर्णय तुर्की द्वारा अपने नेटो सहयोगियों और रूस के बीच जटिल राजनीतिक रिश्तों को उजागर करता है।